ये जेएमएम कार्यकर्ताओं को देखिए कि कितने तमाम जो है संख्या में यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। आप तस्वीर में देखिए कि ये हजारीबाग और ये संजीव बेदिया के नेतृत्व में सभी जो है कार्यकर्ता आप देखिए जो है पहुंचे हुए हैं। और जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा के नारों से जो है गूंज रहा है चारों तरफ। आप देखिए कि ये जो दुर्गा का जो मैदान है यहाँ तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। तो ये देखिए तमाम आराम आराम से सभी जो है पहुंच रहे हैं। दादा पूरा जनसैलाब उमर गया है, पूरा जनसैलाब उमर गया, क्या कहेंगे? देखिए ये आदरणीय हेमंत सोरेन जी का संदेश है कि आपके पीछे आप कहीं भी रहोगे, आपके पीछे जनता आपके दीवाना है। इस राज के कल्याण करने के लिए आपने किया है, इसलिए आपके साथ हम लोग रहेंगे। ये देखिए सब साथ में रहने के लिए जो है पूरे पारंपरिक हथियार से यहाँ पर पहुंचे हैं। आप तस्वीर में देखिए किस तरीके से जो है हेमंत सोरेन के रिहाई को लेकर जो है ये तमाम हजारीबाग के जितने भी कार्यकर्ता हैं वह पहुंचे हुए हैं। और सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, संजीव बेदिया के नेतृत्व में हमारे माननीय नेता संजीव बेदिया जी के नेतृत्व में हेमंत सोरेन जी को जो ईडी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके विरोध में हम लोग माननीय संजीव बेदिया जी के नेतृत्व में है। हमारे जन जन के नेता संजीव बेदिया जी है, हमारे बड़का विधानसभा के एकमात्र नेता संजीव बेदिया जी है, उनके नेतृत्व में हम लोग आगे। हमारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदगी में फर्स्ट बार बने, इसके चलते बीजेपी सरकार ने उसको चीड़ लग गया कि हेमंत सोरेन कैसे हटाया गया, झूठ मूठ के फंसाया गया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हेमंत सोरेन जो गरीब के कल्याण योजना चला रहा है उसको जलन हो गया बीजेपी की, इसलिए झूठ मूठ के सटाया गया जा रहा है। लोकसभा में कितना नुकसान होगा बीजेपी को? बीजेपी का 100% सभी नुकसान होगा, कहीं किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। अरे यार आपके नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता पहुंचे हैं। अरे हजारों नहीं, लाखों लाख पहुंचे, हजारों तो छोड़ दीजिए, लाखों लाख पहुंच रहा है। और इस संदेश है आदरणीय गुरु जी को कि इस बार भाजपा को झारखंड से कबार फेंकेंगे। देखिए कबार फेंके, जनता जनता कबारेगा, मैं यही कबारू। इस राज्य के चाहे मूलवासी हो चाहे आदिवासी हो, यहाँ के जनता इस पर उखाड़ फेंकेगा। आप लोग राज्य के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, विपक्ष का आरोप है। कौन बोलता है गुमराह कर रहा है? हाँ यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, सीधे साधे लोग कभी किसी गुमराह नहीं करता है। बाहरी लोग आके यहाँ राज करना चाहता है, राज नहीं करने देंगे। आप लोग बेदिया जी एक नारा दे रहे हैं भाजपा भगाओ झारखंड बचाओ, ये क्या है? अरे झारखंड बचाओ भाजपा भगाओ, भाजपा के दलालों को भगाओ और झारखंड को बर्बाद नहीं होने देगा। ये हेमंत सोरेन जी का संदेश है, दूसरे के संदेश नहीं। तो देखिए किस तरीके से और हेमंत सोरेन छूटेगा के नारों से जो है गूंज रहा है। आप तस्वीरों में देखिए कितने सारे जो है कार्यकर्ता, ये हजारों लाखों कार्यकर्ता जो है पहुंच रहे हैं। और सभी को तस्वीरों में देखिए कि कितने जो है कार्यकर्ताओं में एक जबरदस्त उबाल जो है देखा जा रहा है।